बच्चों, मैं हूँ किट्टू। आज हम लोग फल और सब्जियों को अलग अलग टोकरी में करते हैं। ये एप्पल है जो फ्रूट्स की टोकरी में जाएगा। ये ब्रिंजोल है जो वेजिटेबल्स की टोकरी में रखेंगे। ये बनाना है जो फ्रूट्स की टोकरी में जाएगा। ये गार्लिक है जो वेजिटेबल्स की टोकरी में रखेंगे। ये मैंगो है जो कि फ्रूट्स की टोकरी में रखेंगे। ये टमाटो है जो वेजिटेबल्स की टोकरी में जाएगा। ये ग्रेप्स है जो कि फ्रूट्स की टोकरी में रखेंगे। एप्पल है जो कि फ्रूट्स की टोकरी में रखेंगे। ये क्या है, जल्दी बताओ बताओ। ये ओनियन है जो कि वेजिटेबल्स की बास्केट में जाएगा। ये कॉलीफ्लावर है जो वेजिटेबल्स की बास्केट में रखेंगे। ऑरेंज है जो फ्रूट्स की बास्केट में जाएगा। ये क्या है, बताओ बताओ। ये पोटैटो है जो वेजिटेबल्स की बास्केट में जाएगा। हेलो दोस्तों, हम लोग फल और सब्जियों को अलग अलग टोकरी में कर दिया है। अब हम लोग इसका नाम जानते हैं। चलो वेजिटेबल्स के नाम को हिंदी और अंग्रेजी में याद करते हैं। ये टमाटो है जिसे हिंदी में टमाटर कहते हैं। ये कॉलीफ्लावर है जिसे हिंदी में फूल गोभी कहते हैं। ये पोटैटो है जिसे हिंदी में आलू कहते हैं। ये ओनियन है जिसे हिंदी में प्याज कहते हैं। ये ब्रिंजल है जिसे हिंदी में बैगन कहते हैं। ये गार्लिक है जिसे हिंदी में लहसुन कहते हैं। हम लोग फ्रूट्स के नाम हिंदी और अंग्रेजी में याद करते हैं। ऑरेंज है जो कि हिंदी में संतरा कहते हैं। ये मैंगो है जिसे हिंदी में आम कहते हैं। ये पाइन एप्पल है जिसे हिंदी में अनानास कहते हैं। ये एप्पल है जिसे हिंदी में सेब कहते हैं। ये ग्रेप्स है जिसे हिंदी में अंगूर कहते हैं। ये बनाना है जिसे हिंदी में केला कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।